खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आपने खूब सुनी होगी और बच्चे बच्चे ने गुनगुनाई होगी, और गुनगुनाना भी चाहिए क्योंकि जिन्होंने इस देश के लिए प्राणों को न्यौछावर किया है उन्हें हम नहीं भूल सकते। लेकिन एक कविता और सुनिए। उदा देवी रण में निकली लेकर बंदूक दुनाली थी, अंग्रेजों पर टूट पड़ी जैसे रणचंडी माँ काली थी। अब आप पूछेंगे कि उदा देवी पासी कौन थी। मैंने आपको बोला कि जिन्होंने देश के लिए इन प्राणों को न्यौछावर किया है हम उन्हें नहीं भूल सकते, लेकिन हम भूल रहे हैं उदा देवी पासी जिसने अपने खून को पानी से भी सस्ता करके इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हम भूल रहे हैं उदा देवी पासी जिसने मर्दाना वस्त्र धारण करके अंग्रेजों का सामना किया था। हम भूल रहे हैं उदा देवी पासी को जो कि लखनऊ की बेगम हजरत महल की महिला सैनिक कमांडर थी। हम भूल रहे हैं उदा देवी पासी को जिसने सिकंदरबाग की लड़ाई में एक पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। हमें याद है कि ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि विद्रोहियों में लड़ने वाली एकमात्र मर्द यह सोई हुई औरत है। लेकिन हम भूल रहे हैं कि कैप्टन कैंपबेल ने भी जब यह पाया कि यह पेड़ से गोलियां चलाने वाली कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला थी, तो उसने भी अपनी टोपी उतार कर सैल्यूट किया था उदा देवी पासी को। हम क्यों भूल रहे हैं? शायद उदा देवी पासी किसी राजघराने से संबंधित नहीं थी, वह एक दलित वीरांगना थी, और ब्रिटिशर्स ने उदा देवी पासी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लंदन में बहुत सारे पत्र प्रकाशित हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मामूली लोगों को इतिहास में जगह देने का परंपरा नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर हम भूल रहे हैं कि उदा देवी पासी कोई मामूली महिला नहीं थी, बल्कि वह एक दलित वीरांगना थी जिसने अपने प्राणों को इस देश के लिए न्यौछावर किया था।